हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पोहे से एक ऐसा नाश्ता जो बच्चे और घर के बाकी फैमिली मेंबर्स भी बहुत शौक से खाएंगे। ये बड़े काम की रेसिपी है दोस्तों, क्योंकि एक तो ये फटाफट बन जाती है, दूसरा इसमें है ढेर सारा न्यूट्रिशन, और तीसरा ये सबको पसंद भी बहुत आती है। तो देर किस बात की, पहले आइए रेसिपी देखते हैं और बाकी बातें करेंगे वीडियो के एंड में। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप पोहा जिसे मैंने धो लिया है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, कद्दूकस किया हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ प्याज, एक उबला आलू, दो चुटकी हींग, दो चुटकी काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच भुना जीरा पाउडर, दो चुटकी हल्दी, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी कि मकई का आटा। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक एग को भी बीट करके ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप घी या कोई और ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं दो ब्राउन ब्रेड। अब सबसे पहले हम ब्रेड के टुकड़े करके उसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और ब्रेड को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स अब तैयार हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम एक बड़ी बोल में लेंगे आलू और आलू को मैश कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे पोहा जिसे हमने धो के रखा हुआ था, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, हींग, काली मिर्च का पाउडर, भुना जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ये बड़ों के लिए भी बना रहे हैं तो बच्चों के लिए थोड़ा सा इसका मिक्सचर अलग करके रख लीजिए और इसमें हरी मिर्च ऐड कर दीजिए और थोड़े से मसाले और बढ़ा दीजिए। सारी चीजें अब आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और ये देखिए ये अच्छे से बाइंड भी हो रहा है। अब हम इसे शेप दे देंगे। इसी तरह से हम अपनी बाकी कटलेट्स को भी शेप देकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक कटोरी लेंगे, कटोरी में डालेंगे कॉर्नफ्लावर, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर की जगह आप अंडे को फेंट के भी यूज कर सकते हैं। अब हम लेंगे कटलेट, उसे हम कॉर्नफ्लावर के घोल में कोट करेंगे। उसके बाद हम उसमें कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स। इसी तरह से हम अपनी बाकी कटलेट्स भी कोट कर लेंगे। अब हम लेंगे ऑयल और एक से दो चम्मच ऑयल हम पैन में डाल के ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे। फिर हम पैन में कटलेट्स डाल देंगे और उन्हें मीडियम आंच पे एक से डेढ़ मिनट के लिए सेक जाने देंगे। एक से डेढ़ मिनट के बाद हम कटलेट्स को फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इनको सिक जाने देंगे। ये देखिए ये एक साइड से सिक के कितने अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सेक लेनी है। दूसरी साइड को भी हम एक से डेढ़ मिनट के लिए मीडियम आंच पे सेक लेंगे। एक से डेढ़ मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे फ्लिप करके चेक करते हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी एकदम ब्राउन हो चुकी है, इसका मतलब ये अब बनके एकदम तैयार है। अब हम इसे प्लेट पे निकालेंगे। इसे आप ब्रेकफास्ट में, टिफिन में, स्नैक्स के तौर पे बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी। इसे आप इजीली एक साल से बड़े बच्चे को भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बेबी एक साल से छोटा है और आप उसे ये खिलाना चाहते हैं तो आप इसमें नमक मत ऐड करिएगा, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सब्जियां और मसाले वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने, एक ही डिश में है पोहा के न्यूट्रिएंट्स, गाजर के न्यूट्रिएंट्स, शिमला मिर्च के न्यूट्रिएंट्स और आलू के न्यूट्रिएंट्स भी। तो दोस्तों इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए, मुझे पक्का यकीन है कि इसके बाद आप कभी नहीं कह पाएंगे कि मेरे बच्चे को पोहा पसंद नहीं है। अगर ये बच्चे के टिफिन या ब्रेकफास्ट में होगा तो फटाफट ब्रेकफास्ट भी फिनिश होगा और टिफिन भी। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।